बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि आप लोग अगर नया मोबाइल जो है ख़रीदते हो, नया डिवाइस आप लोगों ने ख़रीदा है, तो आप लोग जो भी आप लोगों के पुराना जो मोबाइल है, ओल्ड मोबाइल, उसमें जो पूरा सारा डेटा है, आप लोगों की पिक्चर्स है, वीडियोस है, और जो भी कॉन्टेक्ट है, जो भी आप लोगों का सारा डेटा है, वो आप लोग बहुत ही फास्ट में आप लोग अपने नए डिवाइस में कैसे जो है आप लोग कॉपी करके आप वहाँ पे जो है डालेंगे, उसमें पूरी जो भी आप लोगों की डेटा है वो वहाँ पे आप लोगों को मूव करनी होगी। तो आप लोग बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। इसका तरीक़ेकार मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से प्ले स्टोर में आप लोगों को एक जो है किलोनेट जो है ऐप है, वो आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप लोगों ने किलोनेट जो है लिख के सर्च कर लेना है। तो ये एक किलोनेट ऐप है, ये आप देख सकते हो। किलोनेट ऐप जो है बेच कॉपी ऑल डेटा, बहुत ही फास्ट जो है इसका डेटा है मूव करने का। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आप लोग डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे। मैं इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोग अभी क्या करोगे कि आप लोग अपने नए डिवाइस में ये इंस्टॉल करोगे, और पुराना जो आप लोगों का ओल्ड मोबाइल है उसमें भी आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आप लोगों ने नए डिवाइस में ओपन करके यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहा है, एक रिसीवर है और दूसरा सेंडर है। तो आप लोग जो है रिसीव करना चाहते हो अपने ओल्ड मोबाइल से पूरा सारा डेटा, तो यहाँ पे आप लोगों ने रिसीवर पे क्लिक करना है, और ओल्ड मोबाइल जो होगा वहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है सेंडर। दोनों जो है सॉफ्टवेयर ओपन करना है, एप्स दोनों मोबाइल में, इसमें ओल्ड वाली में भी और नई वाले में भी। तो यहाँ पे मैंने दोनों मोबाइल में जो है ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे मैं रिसीवर पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं डेटा जो है नए मोबाइल में कॉपी करना चाहता हूँ पुराने मोबाइल से। तो यहाँ पे मैं रिसीवर पे क्लिक करूँगा, और वहाँ पे जो दूसरा मोबाइल है उस पर मैंने सेंडर पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो है सर्च करेगा आप लोगों का जो पुराना डिवाइस है, ओल्ड डिवाइस है, उसका जो डिवाइस है वो सर्च करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दूसरा डिवाइस जो मेरा ओल्ड डिवाइस है वो ऊपर जो है सर्च हो चुका है। अब इस पर मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, ये थोड़ी जो है इन्फॉर्मेशन ले लेगा, और वहाँ पे दूसरे जो है मोबाइल पे जो है कनेक्ट लिखा आएगा, रिक्वेस्ट जो है कनेक्शन, फिर आप लोगों ने वहाँ पर ओके पे क्लिक कर लेना है। तो वहाँ पे ओके पे क्लिक किया है मैंने। तो अब यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूरा डेटा जो है, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट है, और ये एप्स है, और ये सिस्टम सेटिंग है, ये फ़ोटो है, ये म्यूज़िक है, ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी जो भी डेटा आप लोगों की ओल्ड मोबाइल में होगी वो यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर आप लोगों ने कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये 49 कॉन्टेक्ट पड़े हुए हैं मेरे ओल्ड मोबाइल में, वो यहाँ पे 49 पे मैंने मार्क किया, तो ये 49 जो है कॉन्टेक्ट आ गया है। और यहाँ पे ऐप्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये 11 ऐप्स है, 11 ऐप्स है, ये 11 ऐप्स मेरी उस ओल्ड मोबाइल में पड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये सिस्टम सेटिंग है, अगर पूरा डेटा जो है लेना चाहते हो तो सब पे आप लोग क्लिक करोगे। ये देखो देखो, फ़ोटोज़ जो है वो 26 है, म्यूज़िक 6 पड़ा हुआ है, और 16 यानी 16 मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल जो है सिर्फ फ़ोटोज़ लेना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर पूरा डेटा आप लोगों को चाहिए होता है, तो आप लोगों पर पूरे पे मार्क करना है, सेलेक्ट कर लेना है, कॉन्टेक्ट पे भी, ऐप पे भी, सिस्टम सेटिंग पे भी, वीडियोस पे भी, म्यूज़िक पे भी, अगर पूरा डेटा लेना चाहते हो। अगर नहीं, कोई भी आप लोगों का जो ज़रूरी डेटा है, मिसाल के तौर पर फ़ोटोज़ है, म्यूज़िक है, वीडियोस है, या कॉन्टेक्ट है, या एप्स है, तो आप लोग अपने हिसाब से जो है उस पर सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो पर सेलेक्ट किया है। उसके बाद सेलेक्ट करके यहाँ पर स्टार्ट पे
क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये 26 फ़ोटोज़ जो है इतना स्पीड से जो है ये पूरे 100% ये आप देख सकते हो, ये 26 फ़ोटोज़ जो है ये मेरे मोबाइल में आ चुके हैं। अब देखिएगा मैं इस पर ओके करता हूँ, तो ये देखिए ये फ़ोटोज़ हैं, ये स्क्रीनशॉट्स के 5 फ़ोटो है, ये कैमरा के फ़ोटो है, और ये डाउनलोड के फ़ोटो है, आईमो के, व्हाट्सएप के। तो यहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ थे मेरे वो सब यहाँ पे मेरी नए डिवाइस में जो है मोबाइल में आ चुके हैं। तो इस पे इसको आप जो है फिर ओपन करोगे और जाके अपने गैलरी में देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों के पूरे जो भी फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।